हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, व्हाट शुड बी टेकन अवे फ्रॉम 3x² - 4y² + 5xy + 20 टू ऑब्टेन -x² - y² + 6xy + 20। टेकन अवे का मतलब होता है माइनस कर देना। तो इस क्वेश्चन का ये मतलब है स्टूडेंट्स कि इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से हम क्या माइनस करें कि हमें ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिल जाए। ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट के जैसा ही है। तो इस क्वेश्चन को भी हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए स्टूडेंट्स कि 10 में से क्या माइनस करें कि 6 आ जाए, तो आप ये कैसे पता करेंगे? आप 10 में से 6 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 4। अब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम 10 में से 4 माइनस करते हैं तो 6 आता है। अब इस क्वेश्चन में 10 की जगह क्या है? ये वाला एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और 6 की जगह क्या है? ये वाला एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जैसे यहां पर हमने 10 माइनस 6 किया, वैसे ही यहां पर हम इस एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से माइनस कर देंगे इस एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। तो यहां पर हम लिखेंगे 3x² - 4y² + 5xy + 20 माइनस, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे -x² - y² + 6xy + 20। यानी कि हम इस एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से माइनस कर रहे हैं इस एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। अब ये एलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहां पर एज इट इज आ जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे 3x² - 4y² + 5xy + 20। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, और क्योंकि इस ब्रैकेट से पहले यहां पर माइनस साइन है, तो जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहां पर जो ये साइन है ये चेंज हो जाएंगे। तो जो -x² है ये बन जाएगा +x², -y² बन जाएगा +y², +6xy बन जाएगा -6xy, +20 बन जाएगा -20। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस होता है, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस होता है, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस होता है, और माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस होता है। अब यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये 20 पॉजिटिव है और ये 20 नेगेटिव है, तो 20 से 20 कट जाएगा। अब हम लाइक टर्म्स को एक साथ लिख देंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे 3x² + x² - 4y² + y² + 5xy - 6xy। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों टर्म्स भी लाइक टर्म्स हैं, और ये दोनों टर्म्स भी लाइक टर्म्स हैं। अब ये दोनों पॉजिटिव लाइक टर्म्स हैं, तो इन्हें हम ऐड कर देंगे। 3 + 1 = 4 होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे 4x². अब ये दोनों लाइक टर्म्स तो है, लेकिन ये नेगेटिव टर्म है, ये पॉजिटिव टर्म है, तो 4 - 1 = 3 होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे 3y². 4 बड़ा नंबर है जिसका साइन नेगेटिव है, तो यहां पर हम लिखेंगे -3y². अब ये दोनों भी लाइक टर्म्स है, ये नेगेटिव टर्म है, ये पॉजिटिव टर्म है, तो 6 - 5 = 1 होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे 1xy, और 1xy को हम सिर्फ xy भी लिख सकते हैं, और 6 बड़ा नंबर है जिसका साइन नेगेटिव है, तो यहां पर हम लिखेंगे -xy। तो यहां पर हमें मिल गया है 4x² - 3y² - xy। तो अब हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर हम इस एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से ये एलजेब्रिक एक्सप्रेशन माइनस कर देते हैं तो हमें ये एलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम अगर 10 में से 4 माइनस कर देते हैं तो हमें 6 मिल जाएगा, जैसा कि हमने इस एग्जांपल में समझा था।
आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।